please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हरियाणा के फरीदाबाद में सादी वर्दी में तैनात क्राइम ब्रांच के जवान वहां से भागने की कोशिश कर रहे दो बदमाशों को पकड़ने लगे। दावा है कि ये दोनों बदमाश टटलू गैंग के सदस्य थे जो लोगों को सोने की ईंट बेचने के बहाने लाखों रुपए की ठगी करते थे। जिसकी जानकारी मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम के साथ पहुंचे हरियाणा क्राइम ब्रांच के जवानों ने इन दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। ये गैंग न्यूज 18 की टीम को फोन कर सोने की ईंटें कम पैसे में बेचने का लालच दे रहे थे। यहाँ पर कचकुजी में भूकंप आया ना गुजरात में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उधर वो जेसीबी चला रहा था, एक मंदिर के पास खुदाई कर रहा था रात में, नाइट में शिव मंदिर के पास, तो उसको खोदते समय एक मटके के अंदर 5 बिस्किट मिले सोने के करीब 5 किलो मास। सोने की ईंटें बेचने का फोन आते ही न्यूज 18 की टीम सतर्क हो गई और इस गैंग का पर्दाफाश करने की तैयारियों में जुट गई। इस बीच गैंग की तरफ से फिर एक फोन आया जिसमें बदमाशों ने सोने की ईंटों को आधी कीमत पर देने का ऑफर दे दिया। तो आप ऐसा देखो, पहले कोई पैसा मत लाओ, पहले चीज को देखो, उसमें से पहले सैंपल लेके जाओ 10-20 ग्राम का, जो भी मार्केट का रेट है उसमें आधा तुम्हारा आधा हमारा, 50-50 में हाफ हाफ रेट। जिसके बाद न्यूज 18 की टीम इस सौदे के लिए तैयार हो गई। लेकिन हम जानते थे कि सौदे के पीछे की सच्चाई क्या है और इस गैंग को पकड़ने के लिए हमारी टीम ने भी योजना बनानी शुरू कर दी, जिसके लिए फोन कॉल करने वाले बदमाश को हमारी टीम ने भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। भैया मैं आपको जानता नहीं हूँ, मेरा बेवकूफ ना बता देना कि मैं वो राजू शर्मा का नाम से सेव कर लो, मैं अपना पूरा आपको एड्रेस दूंगा। टटलू गैंग का सदस्य हमारी टीम को विश्वास में लेने के लिए अपनी बहन की शादी का हवाला देते हुए हमसे सोने की ईंट का सैंपल ले जाने को कहने लगा। हमारा संबंध बन गया जिंदगी भर का है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम मेरे घर आओगे, बहनों की शादी में आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे भाई साहब, आपको अपनी पूरी संतुष्टि करो, पहले चीज देखो सैंपल लेके जाओ। क्या मतलब फ्री में दे दोगे मेरे को क्या सैंपल? हाँ सैंपल आप फ्री में लेके जाओ। जिसके बाद हमारी टीम ने इस गैंग से मिलने की तैयारियां शुरू कर दी। बिहार में लगातार हो रही भीड़ की हिंसा की घटनाओं पर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया। बिहार में भीड़ के हाथों 5 दिन में 6 लोगों की हत्या के बाद विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद आरजेडी ने बेहद तल्ख लहजे में नीतीश कुमार के सुशासन के दावों को खोखला करार दे दिया। बिहार जो है मॉब लिंचिंग और अपराध का, अपराधियों का अड्डा हो चुका है। विपक्ष के वार पर जेडीयू ने भी बिना देर किए पलटवार किया और मॉब लिंचिंग पर हो रही सियासत को बिहार को बदनाम करने की साजिश बता दिया। ये जो हमारे विपक्ष के लोग जो चिल्ला रहे हैं मॉब लिंचिंग, इनको लिंचिंग का स्पेलिंग नहीं आता होगा। ये जो नई पीढ़ी या नई पौध के जो नेता बने हैं अपने परिवार के बदौलत, ये पहली पौध है जो अपने ही राज्य को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बिहार में भीड़ की दरिंदगी ने नीतीश सरकार पर राज्य में कानून व्यवस्था को फिर से बहाल करने का दबाव बढ़ा दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ पुलिस वाले 2 घायल बदमाशों को पुलिस की गाड़ी में बैठाने लगे। दावा है कि वहां से जा रहे एक परिवार को इन बदमाशों ने लूट लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इन बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद ये बदमाश वहां एक खेत में छिप गए और पुलिस पर गोली चलाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। काफी देर चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश खेतों में भाग गया। उनके द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों की गोली लगी है। पुलिस ने दावा किया कि पकड़े गए बदमाश इलाके में लूट की दूसरी वारदातों में भी शामिल रहे हैं। बदमाशों के पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस की तारीफ करते हुए नारेबाजी भी की। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 पिस्तौल और एक बाइक के साथ परिवार से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की बहुत सी सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये कतार तब लगी जब प्रशासन ने वहां के लोगों को फ्लोरेंस तूफान के आने से पहले सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी, जिसके गुरुवार तक समंदर के किनारे बसे शहरों से टकराने की आशंका है। इसीलिए नॉर्थ कैरोलिना को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोग गाड़ियां लेकर सड़क पर निकल पड़े। बहुत से लोग अपनी गाड़ियों से नाव बांधकर भी ले जाने लगे ताकि तूफान आए तो वो बच सके। जो लोग अपना शहर छोड़कर नहीं जाना चाहते वो भी अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों को लकड़ी के बोर्ड से सील करने में जुट गए। बड़े बड़े स्टोर पर भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई और लोग जरूरत के सामान और जनरेटर सेट खरीद रहे हैं ताकि तूफान के दौरान वो परेशानी से बच सके। इस बीच मौसम विभाग ने फ्लोरेंस तूफान की तस्वीर भी जारी की। तस्वीर में करीब 900 किलोमीटर के दायरे वाला तूफान अमेरिका के ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। पटना में बालू माफिया पकड़े गए। पटना के सोनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 11 बालू माफिया को गिरफ्तार किया। ताजमहल में बंदरों ने हमला कर कई पर्यटकों को घायल कर दिया।
यूपी के आजमगढ़ में कुछ लोगों पर एक युवक की घर से अगवा कर हत्या करने का आरोप लगा। बिहार के कटिहार में गंगा नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। यूपी की शामली में चार लोगों पर एक लड़के को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा। पटना के एक निजी स्कूल में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स ने मॉक ड्रिल की। यूपी के कानपुर में पुलिस ने बड़े वाहन चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। कानपुर की चकेरी इलाके की पुलिस ने 10 लोगों के इस गैंग के पास से 26 बाइक, दो कार और एक ई रिक्शा बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग कानपुर और उसके आसपास के जिलों से वाहन चोरी कर मध्य प्रदेश में बेच देते थे। गैंग के सरगना पुष्पेंद्र पर कई थानों में 19 मामले दर्ज है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 4 पिस्तौल समेत 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। इनके निशानदेही पे एक प्लॉट से 26 वाहन बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिलें हैं, कार है, ई रिक्शा है और बोलेरो मोटरसाइकिल है, बोलेरो कार है, फोर व्हीलर है। अभी इनके निशानदेही पे और भी इनकी सूचना जो पूछताछ में मिली है, अभी कुछ और जानकारी मिली है जिस पे हमारी पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही है। बिहार के कैमूर में कुछ लोग रात के अंधेरे में हाथों में मशाल लेकर जुलूस निकालने लगे। महातीज के मौके पर लगी चौपाल में महिलाओं ने अपने पतियों से शौचालय की मांग की और इसी मांग को लेकर महिलाओं ने मशाल जुलूस निकाला, जिसे देखकर गांव के आदमी भी महिलाओं के समर्थन में आ गए और मशाल जुलूस में शामिल हो गए। इस जुलूस के बाद महिलाओं ने अपने पतियों से घर में शौचालय बनवाने की शपथ ली। पति से शपथ ली है, तीज के अवसर पर 20 महिला अपने घर में हम शौचालय बनाएंगे। वहीं तीज के मौके पर लगी चौपाल में पहुंचे डीएम ने भी महिलाओं की इस कोशिश की तारीफ की। आपके रक्षा के लिए मैं पर्व कर रही हूं, तो आप मेरी रक्षा के लिए कम से कम शौचालय बनवाएं। उनके पतियों ने इस बात को माना है और इस पे हम सभी महिलाओं को धन्यवाद भी देते हैं। जिलाधिकारी ने दावा किया कि 30 सितंबर तक पूरे जिले को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। यूपी के नोएडा में दारोगा और सिपाही को केवल इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो राज्य के डीजीपी को नहीं पहचान पाए। दरअसल राज्य के डीजीपी ओपी सिंह एक निजी काम से नोएडा आए थे और जब वो सेक्टर 45 की आम्रपाली चौकी पहुंचे तो चौकी इंचार्ज हरबंस सिंह और सिपाही योगेंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए और वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाने वाला सम्मान नहीं दे पाए। आरोप है कि चौकी इंचार्ज और सिपाही ने सही तरह से वर्दी भी नहीं पहनी थी। इसकी रिपोर्ट मिलते ही नोएडा के SSP ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बिहार की पूर्वी चंपारण के एक सरकारी स्कूल में हंगामा कर रहे कुछ लोगों ने एक महिला को घेर लिया, जिसके बाद वो लोगों को चप्पल दिखाने लगी। आरोप है कि ये महिला इस स्कूल में पढ़ाने के समय बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती है, जिसकी वजह से लोगों ने उसके खिलाफ हंगामा किया। जबकि इसी बीच महिला भी लोगों को चप्पल दिखाकर धमकाने लगी। शिक्षिका के खिलाफ हंगामा कर रहे लोगों ने उसे स्कूल से निकालने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। हंगामे के वक्त पुलिस भी बुलवाई गई, जो लोगों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास करती नजर आई। हंगामा कर रहे लोगों ने महिला पर पढ़ने आए बच्चों से स्कूटी साफ करवाने का आरोप लगाया। बच्चा को ना ढंग से पढ़ाती है, ना टाइम से आती है। लोगों ने आरोप लगाया कि महिला को दूसरे स्कूल में भेजने के लिए शिकायत की गई थी, लेकिन उसके प्रतिनियोजन को शिक्षा विभाग के आदेश पर रद्द कर दिया गया। राजस्थान के अलवर में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने भीड़ की हिंसा के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी। अलवर में गो तस्करी के संदेह में पीट पीट कर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी, लेकिन इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता और गोरक्षक खुलकर आरोपियों के समर्थन में आ गए। पुलिस की ओर से चार्जशीट दायर होने के बाद VHP के नेता नवल किशोर ने एक धर्मसभा बुलाई, जहां उन्होंने रकबर खान हत्या मामले के आरोपियों का गुणगान किया। आज वापस वो दौर है जिस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। आज वापस उन्हें, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु राजस्थान के अलवर जिले की जेल में बंद है। धर्मसभा में किसी भी कीमत पर रकबर खान हत्या मामले के आरोपियों को छुड़ाने का दावा किया गया। इसी साल 20 जुलाई को गो तस्करी के संदेह में रकबर खान को कुछ लोगों ने पीटा था, बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आरोपियों के बेकसूर होने का दावा करते हुए पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। मात्र धर्म की रक्षा करते हुए पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस निकम्मी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। धर्मसभा में हिंदू समुदाय से गो तस्करी और लव जिहाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई। मेरठ में यूपी के पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी। मेरठ में जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे यूपी के पूर्व मंत्री फारूक हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया और कहने लगे कि देश में आपातकाल जैसे हालात हैं।
बिहार के मुंगेर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घर से लापता एक आदमी का शव मिलने पर मातम पसर गया। दिल्ली के स्वरूप नगर में चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक महिला की पिटाई कर दी। यूपी के कौशाम्बी में रिश्वत लेने के आरोप में इलाहाबाद से गई विजिलेंस टीम ने एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया। यूपी के हरदोई में चलती कार में अचानक आग लगने पर कार सवारों ने कूद कर जान बचाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक आश्रम के हॉस्टल में वन विभाग के कर्मचारी ने ग्रिल से लटके हुए अजगर को डंडे से धकेल कर नीचे गिरा दिया। ये अजगर इस हॉस्टल में पास के चिड़ियापुर फॉरेस्ट रेंज से घुसा था, जिसकी वजह से वहां रहने वाले छात्रों में दहशत मच गई, जिसके बाद करीब 8 फीट लंबे अजगर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम बुलाई गई, जिसके एक सदस्य ने डंडे से अजगर को धकेल कर नीचे गिरा दिया। हॉस्टल में अजगर होने की खबर मिलने के बाद इलाके के कई लोग वहां जमा हो गए। यह अजगर काफी देर तक हॉस्टल के ग्रिल पर लटका रहा। हालांकि इस बीच वन विभाग की टीम ने उसे बोरी में बांधने की कोशिश की, लेकिन अजगर ने डसने के लिए झपट्टा मार दिया। काफी देर तक लटके रहने के बाद वो हॉस्टल के अंदर दीवार पर चढ़ने लगा, लेकिन उसे बाहर गिरा दिया गया। हालांकि अब भी उसे पकड़ना आसान नहीं था। अजगर को फिर से बोरी में बांधने की कोशिश शुरू हुई। इस बार भी उसने वन विभाग के कर्मचारी को डसने के लिए जोर से फुफकारा। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद ये कर्मचारी अजगर को पकड़ने और उसे जंगल में छोड़ने में कामयाब हो गए।